अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो वीवो लॉन्च करने जा रहा है अपना लोअर मिड रेंज का एक न्यू स्मार्टफोन जो कि है ओप्पो A15s। अब ये जो स्मार्टफोन है अंडर 30K होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा ओप्पो A15s के बारे में, यानी कि इसके अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं और इसकी जो प्राइस है वो क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड प्राइस, और इसकी जो लॉन्च डेट है यानी कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इसको कब तक लॉन्च किया जा सकता है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो इसका डिज़ाइन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बैक साइड पर हमें प्लेन फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं देखने को मिलता। और जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें राउंड स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप और एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। और बैक साइड पर ही हमें ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो बैक है इसकी हमें काफ़ी एक सिंपल लुक देखने को मिलेगी लेकिन अच्छी देखने को मिल जाती है। फ्रंट की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पर हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें 6.52 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। और यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो वो HD+ की है, यानी कि 720x1600 पिक्सल्स की। इसके अलावा हमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और 88.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले ठीक है, इतना कोई खास आपको नहीं देखने को मिलेगा। बेजल्स चिन वगैरह है वो ऑब्वियसली आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि ये लोअर मिड रेंज का एक स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अलावा 269 PPI की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। तो जो डिस्प्ले होगा इतना कोई शार्प आप नहीं देख कह सकते, एक नॉर्मल किस्म का यानी कि थोड़े बहुत शार्पनेस होगी लेकिन इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होगा कि जिससे एक अच्छी लुक दिख सके इसके डिस्प्ले के अंदर। तो ओवरऑल डिस्प्ले हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर की। तो इसके अंदर हमें MediaTek का एक ओल्ड प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि है MediaTek का हेलियो P35। अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस है और एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कोई हाई एंड लेवल की नहीं देखने को मिलेगी, ना ही मीडियम। आपको लोअर किस्म की जो सेटिंग्स वगैरह हैं मल्टीटास्किंग में गेम्स में वो देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इसके अंदर हमें जो GPU है वो भी पावर VR GE8320 देखने को मिलेगा। तो गेम्स तो आप भूल ही जाए ना, इसके ऊपर आप रन करेंगे। लो सेटिंग्स पर आपको इतने कोई खास आपको FPS भी नहीं मिलेंगे PUBG में भी, और लैग भी आपको देखने को मिलेगा, स्टटरिंग भी यानी कि स्क्रीन वगैरह रुक जाएगी, FPS ड्रॉप हो जाएंगे, तो ये इशू आपको फेस करने में आ जाएंगे। तो गेम्स के लिए अगर आप ये लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ये ऑप्शन अच्छी नहीं है, आप किसी और स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। बात कर लीजिए यहाँ पर इसके वेरियंट की। तो इसका एक ही वेरियंट एक्सपेक्टेड है जो कि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ है। अब इसके अंदर जो स्टोरेज है वो EMMC की है, तो ऑब्वियसली आपको जो स्पीड वगैरह है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग ये सब थोड़ी स्लो ही देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे इसकी प्राइस की बात कर लीजिए इस वेरिएंट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस हमें 25,000 यानी कि इसके करीब करीब देखने को मिल जाएगी। बाकी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर हमें KernelOS यानी कि कस्टम UI देखने को मिल जाएगा ओप्पो का, जिसके साथ हमें जो Android 10 है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लेटेस्ट एंड्रॉयड तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक जो फीचर्स वगैरह हैं एंड्रॉयड 10 में भी काफ़ी न्यू देखने को मिल जाते हैं। डार्क मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस लिहाज से हमें ठीक देखने को मिलता है एंड्रॉयड 10 में भी। इसके अंदर जो एंड्रॉयड 11 की अपडेट है वो आ जाए लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। इसके अंदर एंड्रॉयड 10 उसके साथ KernelOS उसकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी अपडेट्स आती रहेंगी जिससे मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमराज की। तो बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसके अंदर हमें जो मेन सेंसर है वो 13 MP का देखने को मिल जाएगा और उसका जो अपर्चर है वो हमें F2.2 देखने को मिल जाएगा। तो इतने ज़्यादा नाइट शॉट्स आपको अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, लो लाइट के अंदर बहुत ही ख़राब पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप डे लाइट में यूज़ करते हैं तो अच्छी पिक्चर्स आ जाएंगी। बाकी जो दो सेंसर हैं इसके अंदर हमें मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा 2 MP का, और दोनों ही के अपर्चर हमें जो 2.4 हैं उसके देखने को मिल जाएंगे। तो वही मैक्रो शॉट्स भी अगर आप डे लाइट में लेंगे अच्छे आएंगे, पोर्ट्रेट शॉट्स भी अगर आप डे लाइट में लेंगे तो अच्छे आएंगे, लो लाइट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे। जो एज डिटेक्शन है वो अच्छी नहीं रहेगी। इसी तरह फ्रंट की बात कर लें तो फ्रंट साइड पे 8 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा और उसका जो अपर्चर है वो हमें F2.0 देखने को मिलेगा। तो इसकी भी काफ़ी हद तक लो लाइट में अच्छी पिक्चर्स आ जाएंगी लेकिन इतनी कोई हाई एंड लेवल की नहीं आएंगी, आपको फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी लाइट की कंडीशन की ज़रूरत होगी फिर जाके इसके अंदर अच्छी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी इसके अंदर हमें पिक्चर्स हैं अच्छी आ सकती हैं क्योंकि ओप्पो के कैमराज होते हैं अच्छे और उनकी ऑप्टिमाइजेशन भी ऐसे होती है कि जो आपका जो स्किन वगैरह है वो काफ़ी मतलब कि क्लियर वगैरह हो,
तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि तस्वीरें वगैरह काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसके अलावा बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन की थिकनेस की, तो ये हमें 7.9 mm थिक देखने को मिल जाएगा और इसका जो वेट हमें वो 177 ग्राम यानी कि 177 ग्राम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें जो बैटरी है वो 4230 mAh की देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग नहीं दी गई, सिंपल ही 10 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो बैटरी बैकअप अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, 1.5 दिन का, 2 दिन का भी देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली आप इसके अंदर हैवी टास्क को परफॉर्म करने से रहे, इसका प्रोसेसर भी इतना कोई खास नहीं है कि हैवी टास्क आप परफॉर्म कर सके, तो आप कह सकते हैं कि 2 दिन ईजिली इसका जो बैटरी है वो निकाल जाएगी। और बात कर लीजिए यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो वो बैक साइड पे हमें देखने को मिलेगा, इसकी जो बैक है वहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा और इसका जो फेस अनलॉक है ऑब्वियसली वो भी देखने को मिलेगा फ्रंट साइड पे, तो आप सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक ये सब यूज़ कर सकेंगे। तो ये तो हो गई कम्प्लीट स्पेसिफिकेशंस ओप्पो A15s की। बात कर लीजिए यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो मैंने आपको बता दिया प्राइस इसकी अंडर 25,000 होने वाली है। तो इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस वगैरह में कोई चीज़ मिसिंग है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा लॉन्च डेट की बात करें तो इसका जो लॉन्च है वो हमें जनवरी के महीने में ही देखने को मिलेगा, मे बी इसको हफ्ते में या फिर 10 दिन में इसको लॉन्च कर दिया जाए। बाकी इसके बारे में ओपिनियंस है आपके कोई भी, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बस ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।